लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया गया कि कौन से कमीशंस इन्वॉल्व थे तुम्हारे रेलवे से। यस सर। तो उससे पहले जान लो कि 1905 में जो कि कर्जन के टाइम में था रेलवे बोर्ड को बनाया गया। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। देखो सिविल सर्विस किस तरह क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं तुमको यहाँ बताना चाहूँगा कि समथिंग कमिटी दे देगा रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट, विच इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में। ट्रेंड बदलता है एंड सिविल सर्विस इज ऑल अबाउट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। 10 साल का पेपर उठा के देख लो, बहुत तुमको पैराडॉक्सल सिचुएशन मिलेगा देखने को। इसलिए बड़ा ही तैयार रहो, हर एक चीज़, कोई भी चीज़ तुम छोड़ नहीं सकते हो, हिमाकत नहीं कर सकते कोई भी चीज़ छोड़ने का, कुछ भी चीज़ नहीं, कोई शॉर्टकट ही नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। जब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कहीं से भी सिविल सर्विस उठा कर पूछ सकता है, और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगेटिंग मी, तो एक एक चीज़ को बढ़िया से देखना है। अगर ये बात है कि 100 क्वेश्चन तो है, हर एक क्वेश्चन में 5-6 टॉपिक्स हैं और ऑप्शन में भी अलग चीज़ है, तो मोटा मोटी नहीं भी तो कम से कम तुम पूरा यदि समीकरण देखोगे तो कम से कम नहीं भी तो ये 300 से लेके 400 टॉपिक्स को टच करता है ये 100 क्वेश्चंस में। तो है विविड है, बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है। चलो तो ये कमीशन जो रिलेटेड थे, मैके कमीशन है, अकबर्थ कमेटी, कल बताए थे अकबर्थ कमेटी के बारे में। यही अकबर्थ थे जिन्होंने कहा कि नहीं एक सेपरेट बजट बनना चाहिए रेलवे के लिए, और 1920 के बाद ये चीज़ हुआ है हमारे कंट्री में, और मोदी जी जैसे ही आए हैं इस चीज़ को ख़त्म कर दिए। उसका पीए पॉप कमेटी है एंड केसी नियोगी कमेटी है। देखो रेलवे बुन रहा है इंडिया के लिए, जानते हो, बता चुके हैं, और कल ये बता रहे थे कमीशन जो कि आज पढ़ेंगे और उसे ये रिलेट करेंगे फिर से कि मैंसीफील्ड कमीशन का जिक्र होगा, अभी हर्सल कमेटी का जिक्र होगा, फॉलर कमेटी का जिक्र होगा, चैम्बरलिन कमेटी का जिक्र होगा, बेबिंगटन कमेटी का जिक्र होगा, हेल्टन यंग कमेटी का जिक्र होगा। तो ऊपर कर लो डेवलपमेंट ऑफ करेंसी। देखो पहले ये समझना होगा कि करेंसी होता क्या चीज़ है, जो आज तुम लोग जेब में पैसा देखते हो। बाबू लीगल टेंडर बोला जाता है। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि इट हैज़ सम वैल्यू एंड गारंटी बाय योर सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस चीज़ को इशू करेगा तुम्हारा सेंट्रल बैंक। इसीलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इसीलिए जो नोटबंदी था, डिमोनेटाइजेशन था, उसने वो कौन किया, एग्जीक्यूटिव ने किया है ये चीज़, ये स्टेप्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है करेंसी और उसको इशू कौन करता है, RBI। इसलिए देखोगे वहाँ पे तो लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना इतना देने का वचन देता हूँ, ठीक है, RBI गवर्नर रहता है, ऊपर लिखा रहता है गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ रहे हो, यही लीगल टेंडर है। क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम से नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको एक्सचेंज के लिए हमको चाहिए करेंसी। तो ये चीज़ समझा गया उस समय भी, और करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। आर गेटिंग मी? तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट टू इशू रुपीज इन कलकत्ता इन 1757, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ उस समय पहला ईस्ट इंडिया कंपनी है जिन्होंने इशू किया है, डोंट मेक नॉइज, उन्होंने इशू किया है, समझे, रुपीज़ को। अब मैं तुमको रुपीज़ का बात है तो मैं तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री से जोड़ना चाहूँगा कोमल, कि जो रुपया जो शब्द सुनते हो ये शेरशाह सूरी का दिया हुआ चीज़ है, जिनका मकबरा तुम्हारा सासाराम में बना है। मैं जब तुम लोग को मेडिवल इंडिया बताऊँगा, ठीक है, तो मैं बहुत जिक्र करूँगा शेरशाह सूरी का, और जब मैं तुमको कल्चर बताऊँगा, आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें तो बहुत कुछ जानने हैं उनके बारे में। देखो कहा जाता है कि यदि शेरशाह सूरी नहीं मरते तो मुग़ल एम्पायर तो कभी आगे बढ़ता नहीं, क्योंकि मुगल एम्पायर का एक जो शासक था हुमायूं को तो हरा चुके थे पहला, ठीक है, वह अनफॉर्चुनेट रहे हैं, बेचारा उनका देहांत हो गया, मर गए वो। अदरवाइज मुगल एम्पायर तुम्हारा फर्स्ट वन इज योर कौन थे, बाबर एंड हुमायूं, यहीं तक सीमित रहता, यहीं कट जाता है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं, जहांगीर अकबर ये सब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, मगर बेचारा अनफॉर्चुनेट। बताऊंगा मेडिवल इंडिया में तुमको जान लगेगा ये क्या हो गया, अब वेरी डिफरेंट, क्योंकि हरा बैटल ऑफ चौसा में हरा दिया था, समझे, और उनको भागना पड़ा था, बाहर शरण लेना पड़ा था हुमायूं को, और बड़े बहुत बड़े पेंटर भी थे हुमायूं, बड़ा पेंटिंग में इंटरेस्ट था उनको, और जब वापस आते हैं पर्सिया में शरण लिए थे, यानी कि ईरान अभी कह सकते हो, फिर जब वापस आए थे 2 पेंटर को लेकर आए थे साथ में, क्यों पता चला कि वो तो मर गया अब सम्राट, क्यों, क्योंकि सेंट्रलाइज अथॉरिटी पहले से मेरा है, ठीक है समझे बात को। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट टू इश्यू रुपीज इन कलकत्ता इन 1757। ईच प्रेसिडेंसी हैड इट्स ओन करेंसी,
जितने भी प्रेसिडेंसी थे, कलकत्ता का, बॉम्बे का और तुम्हारा मद्रास का, अपना अपना करेंसी होता था। पहले बात समझो कि देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ है, ये बात समझो कैसे इसका लॉ से रिलेटेड है। यस अंकित, यू शुड कम हियर। 1773 में व्हाट इज दिस विजिटेड 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल होंगे उसको सबऑर्डिनेट करेगा कौन सा, मद्रास और तुम्हारा बॉम्बे, है कि नहीं। तो यानी कि सेंट्रलाइज बनने की तरफ जा रहा है ये सब, सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर एक जगह पर रहेगा और बाकी सब सबऑर्डिनेट करेंगे। बात समझो, अभी बात है 1757 का, तो अभी 1773 तो नहीं ना आया है, तो इसलिए जितने भी प्रेसिडेंसी थे, चाहे कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, चाहे मद्रास, अपना ही अपना इनों का रुपीज होता था, इशू होता था, अपना ही अपना पैसा होता था। और क्यों? क्योंकि अभी प्योरली ये लोग ट्रेडिंग कंपनीज हैं, अभी सत्ता नहीं है इन लोग के हाथ में, अपने कन्वीनियंस के लिए ये लोग करेंसी इशू करते थे। आर यू गेटिंग मी? इसका लिंक समझ रहे हो? तो यहाँ समझो यहाँ पे कि ईच प्रेसिडेंसी हैड्स ओन करेंसी। अब एक ही करेंसी होगा, तो मैंने तुमको क्या बताया कि 1773 से आगाज हो गया कि इंडिया में, कि अभी करेंसी का बात नहीं है, मैं अथॉरिटी का बात कर रहा हूँ। यही बाद में और अथॉरिटी सेंट्रलाइज बनते जाएगा और 1858 में ये पूरी तरीके से एक साम्राज्य हो जाएगा। तो इस बीच में बहुत सारे चार्टर एक्ट आए हैं, जानते हो तुम लोग, हल्का फुल्का तो जानते ही हो। मैंने 1813 का बताया, 1833 बताया, और मैंने ये भी तुम लोगों को बताया कि 1833 के आसपास, 1813 और 1833 इसके आसपास क्या हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया हिंदुस्तान में आने का, ठीक है। वो आए अपना धर्म फैलाएं, जिसका अभी भी तुम रिजल्ट देखते हो, क्रिश्चियनिटी मैक्सिमम है। तो देखो ये जो करेंसी एक्ट 1835 का था, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, करेंसी को सेंट्रलाइज बनाया है कि सभी जितने होंगे एक करेंसी एक्ट 1835, क्यों, चार्टर एक्ट सब आ रहा है और आस्ते आस्ते सेंट्रलाइज बन रहे हैं, ठीक है, और प्रोमिनेंसी बढ़ रहा है, और बंगाल एकदम गढ़ है उसका, अब बंगाल गढ़ था, समझे ना। इसी यही कारण था कि 1773 में तुम्हारा सुप्रीम हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट वहीं पे प्लान बन गया, और बाद में एक साल बाद जाके बन भी गया, समझे ना। वो बाद में शिफ्ट हुआ है 1912 में, जब दिल्ली दरबार लगा था तब जाके वो शिफ्ट हुआ था, ठीक है ना। और उसका क्या मीनिंग है, हम समझाए थे तुमको पहले क्लास में। तो देखो क्या है कि करेंसी एक्ट ऑफ 1835 के द्वारा क्या किया, एक कॉमन करेंसी पूरा इंडिया में चलेगा, जो ब्रिटिश का जब साम्राज्य रहेगा, समझ में आ रहा है तुमको। देखो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट कमीशन जो थे करेंसी पे, उसको बोलते हैं मैंसीफील्ड कमीशन, आदमी का नाम है, उनके कमीशन से चला है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट कमेटी रहे हैं, डेट इज़ द हर्सल कमेटी, ठीक है, हर्सल कमेटी ऑन करेंसी। अब देखो ये क्या इंपॉर्टेंट है, हर्सल कमेटी का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने क्या बोला कि इट गेव रिकमेंडेशन फॉर रिटेनिंग रुपीज एज अ फुल लीगल टेंडर। इसने बोला कि फुल लीगल टेंडर का वैल्यू होगा, यदि ऊपर से सेंट्रलाइज अथॉरिटी इशू करती है तो आपको स्वीकार करना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो मेरा जो IDBI का एपिसोड हुआ था, अभी जो भी चीज़ हुआ था, लीगल टेंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है, कोई भी इंसान मना नहीं कर सकता है विद इन द टेरिटोरी ऑफ अ कंट्री। कोई मना करेगा तो भाई उसके ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई हो सकता है, और गेटिंग मी, बहुत बड़ा कार्रवाई लिया जा सकता है, और तुम RBI का पोर्टल है, तुम कंप्लेन कर सकते हो उसको, और बहुत बड़ा उसका मुकदमा हो सकता है उसके ऊपर। इसलिए कोई बोले कि हम पैसा को स्वीकार नहीं करेंगे, गलत बात है, और गेटिंग मी, ये पावर दिया गया है तुमको। तो वही क्या लिखा गया कि इसमें बोला कि हम फुल रिटर्निंग देते हैं रुपीज़ को, लीगल टेंडर, अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसको वैल्यू की तरह स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखो 500 वाला पहले नोट था, लीगल टेंडर से ख़त्म कर दिया, तो क्या वो कागज़ बन गया, आर यू गेटिंग मी। यही सब चीज़ है। उसके बाद दूसरा क्या, फॉलोअर कमेटी बने। अब देखो चैम्बरलिन कमेटी एकदम इंपॉर्टेंट है। चैम्बरलिन कमेटी पहला कमेटी था जिसने बताया कि जो करेंसी का जो वैल्यू होगा वो गोल्ड स्टैंडर्ड के बराबर होगा। क्यों जानते हो कि जब करेंसी डिटरमाइन किया आता है तो गोल्ड रिजर्व देख के डिटरमाइन किया आता है, जो हमेशा बोलते हैं तुम लोग, गोल्ड रिजर्व में क्यों जाता है करेंसी, है ना, इन्वेस्ट होता है, बॉन्ड मार्केट का बात होता है इस क्लास में। अब बोलते हैं कि जब COVID-19 आया तो फ्लक्स हुआ कि नहीं हुआ गोल्ड डिपॉजिट में, क्योंकि गोल्ड इक्वल टू मनी, बड़ा ही लिक्विडिटी का काम करता है, तुरंत लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो सकता है गोल्ड। तो हो मिलता है कि नहीं मिलता है, गोल्ड लोन जाते हो तो गोल्ड दे दो, पैसा तुमको मिल जाता है। तो ये चैम्बरलिन कमिटी थे जहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया था करेंसी का वैल्यू गोल्ड के हिसाब से होना चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़, चैम्बरलिन कमेटी, समझे। अब बैबिंगटन कमेटी था, इसमें भी वही बात किया कि गोल्ड को आप रुपीज से कर दो, उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिल्टन योम कमेटी,
या कमीशन 1925 में, बाबू यही है जेनेसिस आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट होने का, अभी तक हो रहा है। आरबीआई क्या 1935 में हुआ था इस्टेब्लिश, बताया गया इस क्लास में, और उसका जो जेनेसिस जो ब्लूप्रिंट दिया था यही कमेटी ने दिया था, इसी को बोलते हिल्टन यंग कमेटी, कई बार पूछे गए सिविल सर्विस में, समझ गए। 1925 में जो हिल्टन यंग कमेटी बना था या कमीशन बना था, इसने बोला कि एक सेंट्रलाइज बैंक होना चाहिए जो इशू करे, एक सेंट्रलाइज बैंक होना चाहिए। फाइनली इसके रिकमेंडेशन के वजह से आरबीआई का गठन होता है 1 अप्रैल 1935। कुछ कान में कुछ समझ में आ रहा है, 1 अप्रैल इसलिए फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से, समझ आया ना बात, यही रीजन है। तो फिर ऊपर जाओ फिर से, तो ये देखो ये तुमने 6 कमेटी के बारे में पढ़ा है, ऊपर जाओ, मैंसीफील्ड कमीशन पढ़ा है, हर्सल कमेटी पढ़ा है, फॉलर कमेटी पढ़ा है, चैम्बरलिन कमेटी पढ़ा है, बेबिंगटन कमेटी पढ़ा है, हिल्टन यंग कमेटी पढ़ा है, होप सो समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बारे में तुम डिटेल पढ़ोगे बाद में आने वाले समय में, आर यू गेटिंग मी, इसके बारे में डिटेल, क्योंकि हर एक का कुछ प्रोविजन तो होगा, इसमें खाली एक जेनेसिस बताया, एक वो बताया कैसे आगे बढ़ा है, और इसका डिटेल्स पढ़ोगे जब हम बताएंगे फैक्चुअल्स में तुम लोग को, आर गेटिंग मी। देखो क्योंकि माइंड तैयार हो जाएगा इससे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटिश पॉलिसी, तो अभी तक मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, जैसे कल रिमाइंड तुम लोग को बार बार किया जा रहा था, ब्रिटिश पॉलिसी में सुनते रहना बच्चे लोग, पहला फर्स्ट वन क्या था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी फर्स्ट वन, सेकंड वन क्या था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड वन इज योर हैंडीक्राफ्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोर्थ वन इज योर रेलवे, फिफ्थ वन इज करेंसी, करेक्ट। अब जानेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी क्या था जिसकी वजह से आज भी तुम लोग इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो, तो जो गढ़ कहाँ, इंग्लिश का चीज कहाँ से आया, देखो देखो एजुकेशन जो, देखो मैंने हमेशा बोला कि ब्रिटिश ने जो भी पॉलिसी अपनाए हैं उसमें सभी में कॉलोनियल टिंज था, वेस्टेड इंटरेस्ट था उसमें। इन्होंने भले ही बोला कि हमारे ऊपर बोझ है कि हम इंडियंस को लिटरेट बनाना है, एजुकेटेड बनाना है, मत देखो क्या है, सब तो दौड़ते हुए इंडिया आ नहीं सकता है, कुछ ही नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आएंगे, अब जॉब होता है, ऑफिशियल्स काम होता है, तो इंडियंस को सिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे, उसको रखने के लिए तो एजुकेशन देना जरूरी होगा। अब वो पुराना तुम्हारा भागवत कुरान और ये सब पढ़ के तो तुम ऑफिशियल्स बनोगे नहीं, जो बात है, ठीक है ना। आजकल देखते हो डिबेट चल रहा है इंडिया में तांडव के ऊपर, अब तो बोलना भी दिक्कत हो गया है, अब व्यू कम है बच जाते हैं, मैं यही व्यू ज़्यादा हुआ था, कितना गलत तरीके से इंटरप्रेट करके बौछार कर दिया जाएगा, बताओ, एक कलाकार का पूरा है ना, पूरा अधिकार है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी देखो अभी इशू जो चला है, पता है इशू क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, कि राजू श्रीवास्तव कुदक के आया बोलने के लिए, ये सैफ अली खान का जो तुम्हारा तांडव वाला जो एपिसोड है, हल्का फुल्का आप जान रहे हो, सोशल मीडिया में बहुत सर्कुलेट कर रहा है। तो सबसे बड़ा बात है कि राजू श्रीवास्तव जब स्टैंड अप कॉमेडी करता था, उसने तो बहुत गंदा गंदा महाभारत के ऊपर बोला था, गंदा गंदा रामायण के ऊपर बोला था, तो उस समय वो भूल गया एथिक्स, और अभी उसको एथिक्स याद आ गया। कलाकार का काम है एंटरटेन करना, ठीक है ना, एंटरटेन करना। अब बेचारा खाली वो हिंदू था इसलिए बच गया, और कोई मुस्लिम है जो अपना करना चाहता, ये हिंदू मुस्लिम का तो होना ही नहीं चाहिए था, असैफ अली खान को टारगेट किया जा रहा है, तो तुम समझ जाओ बात को, हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इट्स अ वेरी बैड थिंग इन आवर इंडिया, जो चीज़ अभी हो रहा है इंडिया में बहुत गलत चीज़ हो रहा है, अरे कॉन्टेक्स्ट से गलत हो रहा है, तुम देखोगे किसी भी चश्मे से देखोगे तुमको गलत तो नजर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा रेडिकलाइज और इतना ज़्यादा पोलराइज नहीं हुआ था कंट्री, जितना हमने जो विटनेस किया है 30 साल में, हमने नहीं देखा है इतना पोलराइज होते हुए, कुछ ज़्यादा ही पोलराइज हो गया है, वेरी बैड फॉर एजुकेटेड ऑल्सो एंड अनएजुकेटेड ऑल्सो। अनएजुकेटेड और दिक्कत वाला बात है, वो जल्दी लपेटे में आ जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात विवाद करके हम समझते हैं कि यार गलत है ये साजिश, ठीक है। अब देखो बात समझना होगा, एजुकेशन देखो तो इसमें भी क्या है कि बायस्ड है नेचर, कॉलोनियल टिंज है। सबसे पहला भूमिका एजुकेशन का 1813 में चार्टर एक्ट में डाला गया था, उसमें 1,00,000 रुपया ग्रांट किया गया था, 1,00,000 बहुत है, मैसिव है उस समय के लिए, समझो। और इसी में अभी जस्ट तुम लोगों को बोले थे ना कि 1813 के बाद और 1833 के बीच में क्रिश्चियन मिशनरी आए थे, पहली बार चार्टर एक्ट 1813 में ही क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउड था कि इंडिया आके वो अपना प्रोपागेट कर सकता है रिलीजन को, गेटिंग मी। तो देखो वही है कि क्रिश्चियन मिशन, क्या कि क्रिश्चियन मिशनरी बहुत बड़ा भूमिका अदा करेंगे इंग्लिश एजुकेशन फैलाने में, देखते हो ना अभी डीएवी का, अभी तुम बात करते हो, सेंट पॉल स्कूल बात करते हो,
है ना, अभी बड़ा बड़ा क्यों, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी क्या करते हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जुड़े रहते हैं इससे। देखो यही चीज़ हो रहा है कि क्या कर रहे हैं कि 1813 में उनको परमिशन मिल गया, क्रिश्चियन मिशनरी आ रहे हैं, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करेंगे मासेस को एजुकेट करने का और अपना क्रिश्चियनिटी धर्म प्रचार करने का। तो मैंने उस दिन भी, हम जब ओल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उस दिन भी बात हुआ था कि नहीं हुआ था कि ब्रिटिश जैसे कॉलोनीज बनाया तो कैसे अपना कल्चर को फ्लरिश किया है। और हम लोग डिनर टेबल का ही बात कर रहे थे, सफर का बात कर, आजकल तो लोग ये भी नहीं बोलता है कि रात का भोजन, डायरेक्ट डिनर हो गया क्या, ब्रेकफास्ट नाश्ता कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा ब्रेकफास्ट हो गया। यानी कि तुम समझ रहे हो कि कितना इन्फ्लुएंस है वहाँ से, वेस्टर्न कंट्री का कितना इन्फ्लुएंस है। यही न्यू कॉलोनिज्म होता है, यही न्यू इंपीरियलिज्म होता है। बात समझने का प्रयास करो, बुद्धि होना चाहिए समझने के लिए। अब उसके बाद 1833 में बहुत बड़ा बात हुआ कि नहीं बात हुआ। 1833 से थोड़ा सा पीछे खींचोगे तो 1829 नजर आएगा तुमको। हम तुमको सिखा रहे हैं कि कैसे याद किया जाता है चीज़ों को। हम इस क्लास में 200 बार बोल चुके कि 1829 में एबोलिशन ऑफ सती एक्ट हुआ था, बोले कि नहीं बोले हैं। और उसमें विलियम बेंटिक थे तो उसके आसपास विलियम बेंटिक हो गए थे। देखो 1833 में विलियम बेंटिक थे, याद करोगे इस तरह, ये याद करने का तरीका बता रहे हैं। और 1829 में जो हमारे सबसे बड़े, जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो थे, राजा राम मोहन रॉय थे, तो समझो इस पीरियड के थे वो। समझने का प्रयास करो, इवेंट को जोड़ो। तो उस समय बहुत बड़ा नाम, बहुत हद बड़ा नाम लॉर्ड मैकेले साहब आए और लॉ कमीशन का गठन हुआ, जो कि 3 साल का होता है, जो कि एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो। संविधानिक बॉडी भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी हो सकता है, जैसे नीति आयोग क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो लॉ कमीशन अभी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लॉ कमीशन क्या करता है कि जितने भी आपके लॉज हैं, स्पेशली तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है, IPC, CRPC, उसमें जो लूपहोल्स है, किस तरह का तुम रिकमेंडेशन दे सकते हो, ये सरकार को देता है लॉ कमीशन। और सरकार इस चीज़ को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, वो ऑप्शनल है उनके लिए। और 3 साल का कार्यकाल होता है। कई मूर्ख लोग, बच्चे लोग होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बता देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि लगता है कि इतना लंबा चल रहा है तो संविधानिक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। अब पहला जो मेंबर थे, जो बहुत बड़े आदमी थे, लॉर्ड मैकेले, क्यों? क्योंकि इंडियन पेनल कोड लिख दिया था। मजाक है क्या, अभी तक चलता है। 1860 क्यों? 1860 में फॉर्मुलेट हुआ है वो, समझे ना। तो अभी लॉर्ड मैकेले साहब आए, देखो यही इंग्लिश एजुकेटर है, ये इंग्लिश एजुकेशन फैलाएंगे। अब देखो क्या क्रोनोलॉजी हुआ एजुकेशन में। उसके बाद दलाउजी आए, देखो दलाउजी को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब समझो ये जैसे आए तो वहाँ पे हुड डिस्पैच, हुड मतलब आदमी का नाम है, हुड डिस्पैच मतलब हुड ने कुछ दिया, डिस्पैच करना बोलते हैं दिया, यानी कि रिजुलेट, माइन्यूट रिजुलेशन, इस तरह का बात है, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे हुड डिस्पैच आया, वही मैग्ना काटा बना एजुकेशन के लिए। मैग्ना काटा समझते हो ना, पहले बताया था, जैसे फारूक सीआर का जो फरमान जारी किया था तो मैग्ना काटा बना था तुम्हारा ट्रेड के लिए, उसके लिए, ब्रिटिश के लिए। मैग्ना काटा वर्ड यूज होता है ना, मैग्ना काटा का हिस्ट्री है, समझे ना। जब ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था तो मैग्ना काटा उस समय से आ रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ा मैकेनिज्म मिल गया कि इंडियन एजुकेशन फैलेगा, अब इंडिया में ईस्टर्न एजुकेशन फैलेगा, समझे। तो हुड डिस्पैच से हुआ है और दलाउजी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। उसके बाद देखो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नए यूनियन, तुम्हारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास होने लगे हैं इसके द्वारा। बाबू कलकत्ता यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी है भारत का, खुशी होना चाहिए तुम लोग को ये जान के, ठीक है। और ऑन द सेम लाइन देखो, सब प्रेसिडेंसी है तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी होगा, मद्रास यूनिवर्सिटी होगा, बम्बई यूनिवर्सिटी होगा, जो कि अभी तक प्रेजेंट है, समझे। नए नए कमेटी बने और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आ गए। जो फर्स्ट तुम्हारा वाइस चांसलर थे, ठीक है, तुमको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, वो खुद चांसलर ही थे, वो मतलब चांसलर हुआ, वो खुद गवर्नर जनरल ही थे, नहीं गवर्नर जनरल। इसलिए तुम्हारा देखो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा चांसलर हो जाता है, गेटिंग मी। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के वो चांसलर हो जाते हैं, फर्स्ट पोस्ट ये है, इस तरह है बना हुआ सिस्टम ही बनाते। देखो इसमें क्या है कि लॉर्ड कैनिंग क्यों, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग, देखो दलाउजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे, बता चुका हूँ, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ है और वो विद्रोह सामना किए थे बेचारा ये लॉर्ड कैनिंग। बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पहले कोई करके चला गया है, ठीक है ना। अब इनका होगा, इधर लगेगा बगावत होगा इनके समय में, तो इनके समय में। और ये क्या बन गए, गवर्नर जनरल क्या बन गए, वाइस चांसलर बन गए कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट चांसलर है ये। आगे देखो, तो यही सब जो चीज़ तुमको बताएं माइंड मैप के थ्रू, वो देखो राइटिंग्स में देखो।
पहला अटेम्प्ट जो किया गया एजुकेशन के प्रति, वो जानते हो चार्टर एक्ट 1813 में किया गया, जहाँ पे 1,00,000 रुपया डोनेट किया गया, ग्रांट किया गया, ठीक है। एंग्लिसिस हेडेड मैकेले, मैकेले बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल है ना, रिस्पॉन्सिबल थे फॉर स्प्रेडिंग इंग्लिश एजुकेशन। इसके वजह से वेस्टर्न एजुकेशन हमारे इंग्लिश मीडियम में हमको देखने को मिलता है। वेस्टर्न एजुकेशन हम हिंदी मीडियम में भी कर सकते थे, अभी है कि नहीं है, फिजिक्स तुम्हारा हिंदी मीडियम में है तो वो तो वेस्टर्न एजुकेशन ही है, उसमें आइंस्टाइन का बात है, उसमें पूरी तरीके से तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये सब बात है। तो आप वेस्टर्न एजुकेशन को तो बहुत तरीके में लिख सकते हो, आप पारसी में लिख सकते हो, अब यहाँ के वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश में जो कि अभी तुम लोग करते हो, ठीक है। इसे हुआ विलियम एडम कमिश्नरी प्रेजेंटेड एडम्स रिपोर्ट, फिर एक एडम्स रिपोर्ट आया। देखो एडम्स रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एडम्स रिपोर्ट ने क्या किया, ये बोला कि वर्नाक्युलर एजुकेशन आप बंगाल और बिहार में लगा दीजिए। वर्ना मतलब अपना इंग्लिश, अपना हिंदी और अपना बंगाली जो भी लिटरेचर है वहाँ का, उसमें ही पढ़ाना चाहिए। तो अभी अभी करते हो तुम लोग, पढ़ते हो ना, हिंदी में पढ़ते हो, कई लोग अपना अपना जैसे तेलुगु में पढ़ता है लोग सब, जैसे हम सिक्किम से हैं, हम नेपाली में पढ़े हैं। वर्नाक्युलर लैंग्वेज बंगाल और बिहार में वर्नाक्युलर, यानी कि एडम्स रिपोर्ट थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि एक ही बार करना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत डिफरेंट है, नहीं जानते हैं लोग उस लैंग्वेज के बारे में। तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज प्राइमरी में रहेगा, नीचे रहेगा, जैसे ही बच्चा बढ़ेगा इंग्लिश आस्ते आस्ते, ठीक है। और यहीं से तुम्हारा स्टार्ट हुआ, तुम्हारा बिगिनिंग। अब हुड डिस्पैच नहीं बोलना है, नहीं बोलना है जी, पूरा डिक्टेटरशिप है, ठीक है। हुड डिस्पैच 1854 बोलोगे बाद में दूंगा टाइम। देखो मैग्ना कार्टा फॉर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, बोले ना ये हुड डिस्पैच का, ये पूरी तरीके से फोकस किया कि सबको एजुकेशन दो। अब देखो इसी टाइम में ब्रिटिश में पार्लियामेंट में हो रहा है डिबेट, मैंने तुमको पहले ही बोला था कि आज आप इंग्लिश एजुकेशन का बात करते, देखिएगा इंग्लिश एजुकेशन साइंटिफिक टेम्परमेंट से वो लिप्त है, ठीक है ना, एक दिन बगावत करेगा यही पढ़ के आपका। यस, यही हुआ, यही पढ़ के इंटेलेक्चुअल्स लोग जन्मे, यही होता है। तो इतना ताकत है, मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, इतना ताकत है वेस्टर्न एजुकेशन का, लिबरल आइडियाज क्यों, एज ऑफ इनलाइटमेंट से आया है वो सभी चीज़, समझ रहे, वेस्टर्न एजुकेशन सब पूरा एज ऑफ इनलाइटमेंट से आया है, तो उसमें तो बहुत लॉजिकल बात होगा, समझे। तो इसमें देखो यही मैं तुमको अभी बोल रहा था, ये पूरी तरीके से फोकस करेगा वो डिस्पैच भी कि प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो और सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में हो। प्राइमरी एजुकेशन मतलब छोटे वाला बच्चा तक, 8 तक एलिमेंट्री कर सकते हो, उसके बाद जो होगा वो इंग्लिश में होगा। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हुए, जैसे कि अभी जान रहे हो पहला यूनिवर्सिटी जो हुआ था, कुमार बता दिए थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी था, वो भी लंदन यूनिवर्सिटीज़ के लाइंस पे, यानी कि लंदन यूनिवर्सिटी में जो इस्टेब्लिशमेंट है। जैसे कि मैं तुमको यदि बात करूं, हमारा भारत जब आज़ाद हो गया था तो जवाहरलाल नेहरू जो IIT का गठन किए थे खड़गपुर का, पहला हम लोग का IIT खड़गपुर था, वो भी तुम्हारा MIT के लाइन पे, वही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैसाचुसेट्स, MIT बोलते हैं जिसको, समझे। तो मैसाचुसेट्स था कि नहीं था वहाँ पे, वही 13 कॉलोनीज वाला, तो उसके लाइन पे IIT खड़गपुर को रखा गया था, इसलिए IIT खड़गपुर अभी तक फेमस है, IIT का एक ब्रांड है ना। तो सिमिलरली देखो, तो जो तुम्हारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी लंदन यूनिवर्सिटी के लाइन में बनाया गया था उस समय, समझे। अब जो पहला जो वाइसराय होगा, ठीक है, वो विलियम कॉर्नेल थे, ये वाइसराय है, और जो चांसलर है उससे ऊपर, चांसलर उससे भी ऊपर होता है, वाइस मतलब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, मैंने गलती से बोल दिया है, वाइस चांसलर से भी ऊपर चांसलर होगा ना जी, जैसे प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, तो उसी तरह वाइस चांसलर के ऊपर चांसलर, जो सबसे बड़ा पोस्ट होगा वो ना होगा जी गवर्नर जनरल का या वाइसराय का। अब देखो यहाँ पे वाइसराय लिखा गया है क्यों, क्योंकि 1857 के बाद 1858 में ये तुम्हारा गवर्नर जनरल जो है उसका नोमेनक्लेचर चेंज हो गया, वाइसराय रखा गया, इसलिए यहाँ पे वाइसराय का शब्द आया है, समझे। तो पहला वाइस चांसलर थे विलियम कॉलेवेल, ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग क्या थे, पहला चांसलर थे, ठीक है, मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, पहला चांसलर थे। अब देखो अभी जो मैं ही बताया उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत कमीशन आए होंगे एजुकेशन को लेके, जैसे तुम्हारा उसके लिए आया है, जितना भी तुम देखे हो रेलवे के लिए आया है, या फिर अकबर था, है ना, PO POP था, नियोगी कमेटी था, उसी तरह हम लोगों ने है ना, उसके बाद हम लोगों ने करेंसी में चार्मलिन वाला देखे, है ना, चौलर वाला देखे, फॉलर वाला देखे, बहुत सारा देखे, अंदर सिमिलर लैंड, इसके लिए भी कमीशन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हंटर कमीशन अभी तक बहुत फेमस है जी, ये पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन है जो कि विलियम हंटर उसको हेड किए थे,
ठीक है, इनका रिकमेंडेशन क्या था कि फीमेल एजुकेशन होना चाहिए, फीमेल एजुकेशन के लिए हमको एड देना चाहिए। देखो बहुत अच्छी बात है, क्यों महिलाओं को पढ़ाना बहुत जरूरी है, कोमल बात समझो, ठीक है। कल हम गौरव से भी यही बात कर रहे थे, महिलाओं को पढ़ना एकदम ज़्यादा ज़रूरी है। और कल हम जब आ रहे थे गांधी मैदान से, जब आ रहे थे बच्चा लोग से बात करके, सिक्टू बिट्टू जो भी हमारी जी है, हम बोले देखो प्रिफ्रेंशियल ट्रीटमेंट, भाव कभी कभी प्रिफ्रेंशियल ट्रीटमेंट भी ना बहुत बड़ा रीजन बन जाता है जेंडर इनइक्वलिटी का। जैसे हम सोच लिए, जैसे अभी क्लास में तुम लोग हो, हम सोच लिए कि कोमल क्या है, लड़की है, ये कमज़ोर है, सच में कमज़ोर हो जाएगी है, इसलिए हम इसको अलग स्पेशल ट्रीट कर दिए कि बाबू तुम्हारे लिए ये पानी लो, तुम जाना बढ़िया से पहुंच जाना, तुमको मैसेज कर देना है ये वो, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसका जो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होगा ना, ये हमेशा अपने आप को इन्फीरियर ही समझेगी और इसका सोसाइटी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ये लोग मान के चलेंगे कि ये लोग इन्फीरियर है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, हमारा इस चीज़ पर बड़ा ही वो है, मतलब एक थॉट है कि जैसे कि दिल्ली सब में जो रेलवे मेट्रो होता है, पहला बोगी महिलाओं को रिजर्व किया आता है, ठीक है, रिजर्व किया आता है। जब हम लोग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं तो उस समय भी हम इनइक्वलिटी करते हैं, हम कभी समझेंगे ही नहीं कि कोमल लड़की है या फिर नीतीश लड़का है, सब स्टूडेंट है, सब बराबर है, यानी कि जितना इस लड़की के पास क्षमता है उतना तुम्हारे पास है। आर यू गेटिंग मी? और इससे क्या हुआ कि तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, जो तुम्हारा साइकोलॉजी है, वो ब्रेन का, वो तुमको कभी भी नीचे नहीं ले जाएगा, तुमको लगेगा कि हम पार है, बॉयज के पार है। और यहीं से जेंडर इक्वलिटी का बात होगा। अब तुम जब तुम बात करोगे, देखो अब है क्या, अब सरकार प्रयास करती है मगर सरकार गलत तरीके से प्रयास करती है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, वो रिजर्वेशन देती है। देखो बेचारा सरकार भी क्या करे, क्योंकि सोसाइटी में इतना शोषण हो गया है कि महिलाएं बहुत डिप्राइव्ड हो गई है। अब उसको करने के लिए महिलाओं को, यानी कि बच्चे जो हैं पढ़ने वाले, उसको लुभा के हाँ साइकिल दिया जाता है, करेक्ट, साइकिल देता है कि वो बेचारा कैसे भी घर से निकले और पढ़े, नोबल थॉट है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना, आखिर कब तक? और उसके बाद क्या होगा कि प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट की वजह से क्या होगा, वो फिर से वो जेंडर इनइक्वलिटी और बढ़ते चला जाएगा। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए पता है, ये जेंडर, अब देखो ये एक दिन की बात नहीं है, ये दो जनरेशन लगेंगे, ठीक है, दो तीन जनरेशन लगेंगे, ठीक है, ये चेंज करना। बस जो भी अभी पढ़ते हो, अभी जो भी हो, हमारे यदि हमारे क्लास में एक लड़की भी है तो एक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना, और उसके आगे बहुत जनरेशन बनेगा उससे, है ना। यदि वो भी सुधर जाए और उसके अगल बगल बहुत सारे लोग हैं और उसका इन्फ्लुएंस हो, हाँ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, तो जाहिर सी बात है उतना प्रीमिसिस में वो काम तो करेगा ना वो चीज़, और उतना तो जेंडर इक्वलिटी काम कर सकते ना पूरा। अब उसी को जूम कर दो तो यानी कि यहाँ पे भी बात हो जाता है, एजुकेशन ही बात आ जाता है। यदि हम प्रॉपर एजुकेशन दे दिए, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन दे दिए तो महिला क्या करेगी, सशक्त हो जाएगी। और यही काम ब्रिटिश ने किया, यही काम ब्रिटिश ने किया कि फीमेल एजुकेशन के ऊपर एड, एक्स्ट्रा एड, क्यों, क्योंकि फीमेल दबी हुई है, ठीक है ना। एक फीमेल को एक बार उठा दो, उसके बाद छोड़ दो उसको, बढ़ो आगे बढ़ो, जैसे बॉयज बढ़ रहे हैं आप भी बढ़ो, ठीक है ना। और जब जब मुकाबला होगा गर्ल और बॉयज का, बॉयज को पीछे पछाड़ते हुए गर्ल्स निकल जाएगी, नियम है, कहीं नहीं है बाबू बॉयज गर्ल्स के सामने में, बॉय है हम बोल रहे हैं फिर भी कहीं नहीं है बाबू, गर्ल्स का पावर बहुत ऊपर का होता है, सिविल सर्विस भी उठा के देख लो बाबू, बैक टू बैक टॉपर्स है, सच बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि लुभाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं यार, लुभाने के लिए कुछ नहीं बोला जाता यहाँ पे, ठीक है ना। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी, देखो क्यों फाउंडेशनल वैल्यू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं क्लास में, फाउंडेशनल वैल्यू ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे करोगे फिर बाद में जाके। सेकेंडरी एजुकेशन का होना, ठीक है, हु गॉट डिवाइडेड इंटू लिटरेरी एंड वोकेशनल, जो सेकेंडरी होगा अब बढ़ेगा सब्जेक्ट्स, उसको आप दो भाग में तोड़ देते हैं। ये क्या रिकमेंडेशन है हंटर कमीशन का कि लिटरेरी, लिटरेचर के टाइप में, और वोकेशनल, वोकेशनल मतलब ट्रेनिंग टाइप का, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देखते हो, है कि नहीं है, जहाँ से अपना अंकित गुजर चुका है, यस, और टीचर का भूमिका भी अदा किया था, गुड। देखो दूसरा क्या है तो ये समझ के बात को, ये तुम्हारा हंटर कमीशन है, उसके बाद रेलेक कमीशन 1902 का है, ठीक है, उस समय भी तुम्हारा लॉर्ड कर्जन, हाई इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, इसने बहुत अपना वो करके
एडमिनिस्ट्रेटिव वाला चीज़ हासिल करके आया है, ठीक है, वो एक दिन में नहीं मिलता है, बहुत जद्दोजहद किया होगा इसने भी, ठीक है। रेलवे कमीशन 1902, मत देखो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि कई लोग को जद्दोजहद तो मेहनत नहीं लगता है, और जिसको मेहनत नहीं लगता है ना वही सफल है, ये भी जान लो। यदि ड्यूटी भी हमको बर्डन लगना शुरू कर दें तो फिर तुम तो मजे नहीं ले रहे हो अपना ड्यूटी से। लोग कहता है कि आप इतना मेहनत करते इतना खटते, भाव मेहनत नहीं करते, सुकून मिलता है उससे। जब आपको सुकून मिलता है अपने काम से तो आपको फिर मेहनत ही नहीं लगेगा, आपको तो मज़ा आएगा उस चीज़ से, मज़ा आना चाहिए बस जो तुमको आया है, होप सो। पहले अभी पता नहीं, भगवान जाने। देखो रेलवे कमीशन 1902, ठीक है, इसमें मात्र एक इंडियन मेंबर भी थे जिसका नाम गुरुदास बनर्जी है, ठीक है, मंडप पर रख लेना फोटो इनका, ठीक है। और देखो अच्छी बात क्या है, क्यों ऐसा बोले हैं, क्योंकि देखो ये पहली बार क्या बोलते हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेज MA कोर्स में भी होना चाहिए, MA मतलब मास्टर्स लेवल में भी जाके होना चाहिए, वेरी इनोवेटिव थिंग्स। और इन्होंने बोला कि यस, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द डिग्री ऑफ एजुकेशन, डिग्री बढ़ाइए, ड्यूटी कॉलेज वाला नहीं, बढ़िया वाला, समझे ना, डिग्री रिफ्लेक्शन होना चाहिए आदमी का, नॉलेज का, है ना। बड़ा बड़ा डिग्री तो इंडिया में रह रहे हैं, और भी इंडिया का प्रिमिटिव जगह पर रह रहे हैं, यहाँ तो खरीद बिक्री होता है डिग्री का। अब करजन जी का क्या रोल रहा है, करजन का मैं जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो अब हम तुमको लिटरली बताएं, यहाँ से हम बाबू जो इंडियंस हैं ना बाबू, नल्ले हैं, निकम्मे हैं, किस सेंस में, हमको कोई मतलब नहीं है अपने मोनूमेंट से, वहाँ जाकर पान खा के थूक देंगे हम, ठीक है ना, अच्छा लगता है हमको, वहाँ जाके लव वाला फोटो बना देंगे, अपना नाम और जो हमारी जो पास्ट थी उसको लिख देंगे वहाँ पे, फिर आएंगे बोलेंगे काहे लिख दिया यार, ये तो पास्ट हो गई सच में, ऐसे लव वाला बना देंगे। अरे भाई मोनूमेंट से इंजॉय करिए उस चीज़ को। तो ये जब देखें कि इंडियंस लोग अपना इंजॉय नहीं कर रहा है मोनूमेंट्स का, तो ये ला दिए, लॉ ला दिए, समझे ना, वही लॉ बोलते हैं एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। इसलिए बहुत बड़ा इनका रोल है, हमारे जो मोनूमेंट्स बचे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इन्होंने क्या किया कि इंडियन हेरिटेज आर्कोलॉजी गॉट बूस्ट फॉर ऑल एट द टाइम, जो आर्कोलॉजिक जो एक्सकवेशन हो रहे हैं, जो मोहेंजोदड़ो ये सब देखते हो ना हड़प्पा, यहीं से जेनेसिस खिंचाया है, तो खुदाई हो रहा है, आर्कोलॉजी सर्वे हो रहा है इनके टाइम में, बड़ा इंटरेस्ट था इनको ये सब चीज़ का, नहीं हिस्टोरियन माइंड होगा, क्यूरियोसिटी है, तो इन्होंने इस चीज़ पे काम किया। और उसके बाद इन्होंने एक्ट पास कर दिया कि हाँ मोनूमेंट जितना भारत का वो प्रिजर्व रहना चाहिए, कोई तरह का कुछ दुष्कर्म किया, कोई गलत किया तो बहुत फंसेगा लॉ में, क्योंकि एक्ट बना है पनिशमेंट, तो हम बचा के रख दिया ना धरोहर को, अच्छी बात है ना, इसलिए जी बोलते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी में टेक्नोलॉजी होना चाहिए ना कोमल, आर्कोलॉजी में आप कहाँ, आप 10 को लगा दोगे MG NREGA वाला वर्कर को लेके जाओगे क्या, खुदाई करो करते रहो, ये तो नहीं होगा, टेक्नोलॉजी होना चाहिए वहाँ पे, प्रॉपर कार्बन डेटिंग का होना चाहिए, याद करो पहला दिन प्रॉपर होना चाहिए, करजन का इतना बड़ा रोल है। आप देखो यही बोलते दिल्ली दरबार बोले थे ना उस समय, दिल्ली दरबार, देखो दिल्ली दरबार इंपॉर्टेंट है, दिल्ली दरबार में क्या हुआ था कि ये सभी 50 लाख रुपया दिया गया था, George V किंग ऑफ इंग्लैंड, किंग है जी, एक क्वीन है जो कि हेड है, किंग है उस समय George V, यही George V है जी, समझ लो यही जॉर्ज को पीछे कर दोगे तो वही जॉर्ज थे जो कॉलोनीज पे अमेरिकन कॉलोनीज पे देते थे, बहुत तरह का लॉज लगाते थे, याद आया तुम लोग को, ट्रेड लॉ, शुगर एक्ट, इस तरह का एक्ट, टाउनसेंड एक्ट, ये सब याद आया कुछ, उस समय जॉर्ज थे कि नहीं थे, जॉर्ज पहले वाला तृतीया थे, ये 5 है। तो इनके टाइम ये क्या, ये आए दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार मतलब दिल्ली का दरबार लगा था इनके लिए, इसका मतलब ये 1911 में, और इन्होंने बोला कि वाह लो 50 लाख रुपया लो एजुकेशन फैलाओ, पहले 1 लाख दिया था, देखो इसका मतलब दिल खोल के दिया है पैसा। उसके बाद सैडलर कमीशन आया 1917 में, ठीक है, सैडलर, ठीक है, सैडलर उसके हेड होंगे, नाम के हिसाब से होता है, उसमें 2 इंडियन मेंबर्स भी थे, आशुतोष मुखर्जी और जियोद्दीन अहमद, ठीक है, 2 इंसान थे, बहुत ही गुणी आदमी थे, क्यों गुणी क्यों बोल रहा हूँ कि बाबू इनका जो रिकमेंडेशन है वही अभी तक भारत में चलता है। इन्होंने क्या बोला कि जो डिग्री कोर्स होना चाहिए वो डिवाइड होना चाहिए ऑनर्स में और पास कोर्स में, क्या है इन्होंने दिया 10+2+3 अभी जो चलता है, 10, 11, 12 कॉलेज, इनका ही रिकमेंडेशन सैडलर कमीशन का है, समझे बात को, 1917 में आया था जो अभी तुम लोग पढ़ता है, मजा आया सुन के। तो जब जब हम यहाँ पे अलापते हैं तुम लोग को,
और तुम लोग का जब सर पे वार करते हैं तो बोलते हैं ना हिस्ट्री सब हम लोग प्रभावित है, तो प्रभावित नहीं है सब, तो वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, बोगस लोग नहीं सोच पाते हो। फिलिप हाडोक कमिटी कितना मजा आता है बोलने में, देखो फिलिप हाडोक कमिटी क्या है बाबू, ये सब कमिटी है साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, जहाँ लाला लाजपत राय डंडी वो करते हुए बेचारा उनका मृत्यु हो गया था, भगत सिंह को बहुत गुस्सा, भले ही आपके विचारधारा से हम सहमत नहीं है, आप हमारे लिए धरोहर थे, आप रास्ता दिखा रहे थे कंट्री को, गुस्सा आ गया, चल दिए अपना वो भी, बदला ले लिए। तो इसलिए साइमन कमीशन, देखो साइमन कमीशन का यदि मैं बात करूं, तो ये इसको एक्चुअल में 1929 में आने वाला था, मैं वहाँ पे सत्ता गिर गया था बताए थे तुमको, इसलिए 1927 में ही आया। और जैसे क्यों, देखो सबसे बड़ा बात ये है साइमन कमीशन बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ रहा है, क्यों, अरे भाई भारत का संविधान बनाने के लिए आ रहा है, सुन रहे हो अंकित, भारत का संविधान बनाने के लिए आया, वहाँ कोई इंडियन नहीं रहेगा उसमें, यहाँ संविधान बनेगा कि संविधान समझते हो ना कैसे चलना चाहिए सिस्टम, सरकार कैसे चलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ये वो, ठीक है ना, मगर इंडियन नहीं रखेगा उसमें, ये क्या है। तो आ गया मोतीलाल नेहरू जी को खुन्नस, बोला कि हम बनाएंगे, और ये लोग बोला चलो बना के दिखाओ, नेहरू रिपोर्ट तैयार करके दिखा दिए, सब लोग साइको खा गया, वो अभी का संविधान में चलता है, हम लोग का ये है पावर, चुनौती दे दिया, बस इंडियन बजट को तुम चैलेंज करेगा, आज इंडियंस के ऊपर लिखाए थे, आज का जो तुम्हारा जो कल्टी मारा है तुम आज इंडियंस को, क्यों इंडियंस के ऊपर बाबू, मज़ा आएगा सुन के कि जो तुम्हारा जो बाइडेन का जो मंत्रिमंडल हुआ है आज 7 बजे जो शपथ लिए हैं सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, उसमें हम हमारे इंडियंस 20 से प्लस है, उसमें कमला हैरिस पहला है, वाइस प्रेसिडेंट तो तुम्हारा इंडियन ही है, इंडियन अफ्रीकन ब्रीड है, हम इंडियन समझेंगे उसको अभी अपने कंट्री के हिसाब से, क्यों मद्रास से थी उसकी मम्मी, ठीक है, और बहुत सारे गुप्ता करके दो गुप्ता है उसमें, एक यूपी के हैं, कल मैं देख रहा था उनका सब पूरा, हाँ तो कल मैं देख रहा था उसका, चलो तुमने बहुत बड़ा काम किया, कुछ तो देखा है तुमने, चलो तो साइमन कमीशन समझ गए, मैंने साइमन कमीशन क्यों बोला क्योंकि फिलिप हाडोक कमिटी भी एक साइमन कमीशन का एक सब यूनिट था, उसका छोटा एक हिस्सा था, समझे ना, इसलिए बोलना पड़ा। देखो इसमें क्या कि कोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना, खाली एमए ही नहीं हो बाकी सब्जेक्ट्स भी हो, कोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है ना, आर्ट्स है उधर, जियोग्राफी है, बहुत सारा पेपर मैथमेटिक्स है, इस तरह का। और इसने बोला कि ट्यूटोरियल टीचिंग भी होना चाहिए, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल समझते हो, ट्यूशन वाला पढ़ा लिखा के ये सब अलग से, हाँ ए ट्विटर, यानी कि फिलिप हाडोक कमिटी का रिकमेंडेशन था। देखो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक आया सार्गेंट रिपोर्ट 1944, अब देखो आज़ाद होने वाला हिंदुस्तान है अभी, ठीक है, वो एजुकेशनल एडवाइज़र थे गवर्नमेंट के उस समय, है ना, एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट एजुकेशन को लेके वो थे, और इन्होंने क्या बोला कि जो 6 साल से लेके 11 साल का जो बच्चा है उसको फ्री एजुकेशन दे दीजिए, वही तुम्हारा बाद में जाके भारत के संविधान में आया, पहले DPSP था फिर फंडामेंटल राइट्स में तुमने उतार दिया, 14 कर दिया 11 बढ़ा के, समझ गया, तो कैसे देखो कोई चीज़ कहाँ कब का रिकमेंडेशन दिया हुआ चीज़ कैसे प्रेजेंट में लागू होता है, तो यही एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, एंड ही ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल बोला था खत्म कर दीजिए 11-12 ख़त्म कर दीजिए, अब कुछ लॉजिक है उसके पीछे। अब आप देखो सिंपल देखो एजुकेशन पे बात हो रहा है तो हमारे एजुकेशन में तो लूपहोल्स है, लूपहोल सब पढ़ रहे हैं किसके लिए, कहाँ कोई आइंस्टाइन बन पाता है, कहाँ कोई इंटेलेक्चुअल बन पाता है, सबको चाहिए जॉब, तो ये भी बहुत बड़ा लूपहोल्स है, सब पढ़ रहा है थ्योरी, ये भी सबसे बड़ा लूपहोल्स है। हम IIT खड़गपुर का बात करते हैं, IIT मुंबई का बात करते हैं, मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर हम कंपेयर करते हैं MIT से तो कहीं नहीं है मैच है। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत मिसिंग चीज़ है, मैं हमेशा करंट अफेयर्स में बताता हूँ ये चीज़, हमारा जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो तुम्हारा कोलैबोरेशन होना चाहिए वो मिसिंग है, एल्यूमिनी नहीं है ढंग से, तो बात समझे, समझ में आया कुछ, समझ में आया बाबू लोग। अब देखो 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 अब पढ़ लो जिसके लिए तुम आए हो, तो हल्का जेनेसिस तो खींची दिए थे उस दिन, कैसे ट्रेनी आया, जूनियर मर्चेंट सीनियर मर्चेंट कैसे बना आगे बढ़ा। देखो सिविल सर्विस, ठीक है, ये लंबा होगा क्योंकि सिविल सर्विस को वही, देखो
देखो बाबू, आज तुम लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार भाई वल्लभ पटेल का ही जिद था कि सिविल सर्वेंट होने चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि देखो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी ये हुआ, बहुत बड़ा डिबेट ये हुआ कि ये जो सिविल सर्वेंट है ये तो हमेशा ब्रिटिश का सुनते रहे हैं, तो स्टेट के लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। हाँ, वो कर सकता है, क्रश कर सकता है। मगर वल्लभ भाई पटेल का क्या कहना मानना था, बड़े ही प्रैक्टिकल आदमी थे वल्लभ भाई पटेल, बहुत प्रैक्टिकल थे, इमोशंस नहीं कहते थे वो, बहुत फिजिबिलिटी पे सोचते थे। ठीक है ना, बड़ा ही वो थे। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, सिविल सर्वेंट का होना बहुत ज़रूरी है, कंट्री को एक बचाना है तो सिविल सर्वेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बात मानेगा सेंट्रल का और वो रखेगा चीज़ों को वहाँ पर। नहीं पता था कि बाद में आदमी लोग खराब आएगा, पॉलिटिशियन खराब आएगा, ये तो कभी सपना नहीं देखे थे। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारा ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पर लिखने के बाद भी बोला गया कि ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे देखो आर्टिकल 356 का जिक्र आता है, तो ये बोले कि डेट लेटर ये कभी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। दुरुपयोग तो शुरू हो गया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, 51 में शुरू हो गया था। तो बेचारा इतना मेहनत किए, और क्यों? क्योंकि सोचे कि इतना मुश्किल से जो फ्रीडम मिला है हम लोग को, कंट्री वाला लोग संभालेगा। मैं इनको क्या पता था कि आने वाले समय में 40-50 साल में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा, इस देश में मसल पावर शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी पहले कैबिनेट में जितने मेंबर्स थे वो सभी ईश्वर से कम नहीं थे, वो सब ईश्वर के थे, बहुत दूरदर्शी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके कंट्री लिया था, बहुत मेहनत किए थे, समझे ना, लोग के बीच में रहे थे, खाना खाए थे, एकदम सिंपल ह्यूमन बींग, बहुत मेहनत किया था। तुम लोग उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाओगे जो हम लोग को फ्रीडम अभी मिला है ना, वो एक फालतू का जब मिल जाता है कोई चीज़ तो वैल्यू कैसे करोगे उस चीज़ को। मैं कम से कम इतना तो दायित्व होना चाहिए हम लोग का कि कम से कम उनको ठीक से याद भी कर ले, इतना तो बनता है ना। जैसे कि एक कविता था मेरा जीवन का एक पन्ना, और अंतिम में एक लाइन था कि जीवन में की गई कोई काम वो बहुत बड़ी पूंजी है। मैं परिवर्तन के दौर में ये बात किसको सूझी है, परिवर्तन के दौर में हम उसको भी भूल जाते हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया था। और हमारा जब लेक्चर शुरू होता है तो देखते हो बाबा लोग ऊपर पहुंचते हैं तो हम बहुत गदगद हो जाते हैं। क्यों? अरे बाबू अभी भी ये लोग इंस्पायर करते हैं। क्या है कि तुम लोग तो बाबू कुछ काम धंधा तो किया नहीं है ऐसा कि तू इंस्पायर करेगा जनरेशन को, जो किए हैं उनसे ही इंस्पायर हो जाते हैं ना। इसलिए सिविल सर्वेंट को या फिर एजुकेटेड इंसान को ये बहुत ज़रूरी है कि सभी चीज़ को देखना और इम्पोर्टेंस, हमारे जो पोर फादर है उनको इम्पोर्टेंस देना। तो देखो सिविल सर्विस में कौन से हमारे पोर फादर्स थे या कौन से ब्रिटिश से जुड़े हुए थे, जैसे लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में जिक्र हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में भी जिक्र हुआ था। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स, या उससे पहले मैं रॉबर्ट क्लाइव का बात करूँ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट बनाया था, तो हल्का जेनेसिस वहाँ पे भी खिंचाया गया था, जैसे निजामत था और दूसरा क्या था बाबू, एक निजामत के लिए बनाया था, दूसरा दीवानी राइट के लिए, याद आ रहा है? ड्यूअल सिस्टम काम नहीं किया, बहुत करप्टेड था, बहुत करप्शन था उसके अंदर। फिर सेकंड क्या हुआ, चेंज हो गया, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स आए, वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल बने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उसका फिर फादर लॉर्ड कॉर्नवालिस को बुलाया जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया है, मगर जो ढांचा जो तैयार किया है, जो स्ट्रक्चर जो दिया है वो कॉर्नवालिस दिया है। तो देखो अब समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को। देखो सिविल सर्विस लाइन वन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके डायरेक्टर्स होंगे जो वहाँ काम चलाएंगे, उसके डायरेक्टर होंगे, वो सेलेक्ट करेंगे सिविल सर्वेंट्स को। ठीक है, फ्रॉम रॉयल फैमिली। देखो कोई कंपटीशन है, तुम जैसा हम जैसा आदमी कोई नहीं बन सकता अभी, रॉयल ऑर्डर से, रॉयल फैमिली से, जो बाबू प्योर ब्लड वाला आदमी है, राइज वाला आदमी है, उससे होगा, कोई कंपटीशन नहीं, सेलेक्ट हो गया, बन गया वो। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या था, कैसे जाएगा ये? देखो अप्रेंटी बोलते हैं, यानी कि ट्रेनी, पहला प्रमोशन होगा तो राइटर बनेगा, क्लर्क लेवल बोलते हैं जिसको, फिर फैक्टर बनेगा, स्मॉल फैक्ट्री ओनर बनेगा वो, उसका फिर जूनियर मर्चेंट बनेगा जो कि कमर्शियल एस्पेक्ट देखेगा, तब जाकर वो सीनियर मर्चेंट देखेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, यानी कि अभी सीनियर मर्चेंट उस समय का और अभी का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बराबर है। बट ट्रेनिंग पीरियड से आपको जाना पड़ता है, आप तुम एक ही बार में, तुमको पता है ना एक ही बार में कलेक्टर नहीं बनता है, यू नो दिस थिंग, तुम लोग कम से कम 4-5 साल लगेगा, पहले तुम एज SDM काम करोगे, असिस्टेंट काम करोगे, जब चीज़ों को सीख लोगे तब जाके तुम लोग DM बनोगे। तो DM ये मत समझना है कि सिविल सर्विस पास करते ही DM बन जाएंगे, अरे भाई कुछ आता ही नहीं है, खाली किताब पढ़ के आए हो तुम DM बन जाओगे, ग्राउंड रियलिटी, तो ग्राउंड रियलिटी के लिए तुमको काम करना होगा। तो यही सब प्रोसेस है, समझ गए ना। तो ट्रेनी है, प्रमोशन होकर राइटर बने, फिर फैक्टर बने, फिर जूनियर मर्चेंट बने, फिर सीनियर मर्चेंट बने, और सीनियर मर्चेंट का दायित्व है वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले।
और देखो अप्रेंटी जो ट्रेनी होते हैं जो बन गए जो आ गए वो सेलेक्ट होकर लंदन जाएंगे, इंडिया में कोई नहीं है ट्रेनिंग सेंटर। जैसे अभी बनोगे तो मनाली जाओगे, है ना, सपना होगा तुम लोग का जो बात है, तो वहाँ पे गए है सपना कोमल, बिल्कुल सपना होना चाहिए, ठीक है। सपना ये नन्नी नन्नी आंखों से सपना नहीं देखोगे तो कैसे पूरा करोगे, ठीक है ना। हैदराबाद, अच्छा तुमको हैदराबाद जाना, आईपीएस बनना है ना, जाओ जाओ, ठीक है ना। बस ये है कि मिस कॉल मत करता, नहीं नहीं उधर मत ले जाओ, बीस क्या करना, जाओ अपना इंडिपेंडेंट जिंदगी जियो। इतना जो खटाएगा ना पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, ट्रेनिंग पीरियड के बाद ना जो सोचने का जो तरीका होता है ना वेरी डिफरेंट। हमारे जो मित्र लोग हैं जो मैंने उन लोगों को देखा है कि बिफोर ट्रेनिंग पास होने के बाद, बिफोर ट्रेनिंग ना आफ्टर ट्रेनिंग, क्या गजब का चेंज, बोले ये क्या हो गया, सो स्मार्ट, बोलने का तरीका चेंज, दिखने का तरीका चेंज, मतलब ऐसा बना देगा ना कि तुम हजार के भीड़ में चलोगे ना ये अलग का अलग है, ये अलग है, ये अलग है। फॉर्मल है केवल नहीं, चाल ढाल तरीका वो तुम देख के ही डर जाओगे, क्योंकि ट्रेनिंग लुक्स तो फॉर्मल ही होगा। देखो फॉर्मल तो तुम्हारा बैंक मैनेजर भी हो सकता है, एक टीचर हमारा भी फॉर्मली लुक्स है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बस जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो चाहिए, जो लीडर, अच्छा अच्छा हाँ वो बोल रहे हो, अच्छा फॉर्मल लुक्स पे बात कर रहे हो, मतलब फॉर्मल तुम्हारा तौर तरीका पे बात कर रहे हो ना। देखो बात समझे, यहाँ पे तो ये क्या करेगा, सीनियर मर्चेंट बन गए, अब जब ट्रेनी बनेगा तो यही अभी लंदन से ही पहुँचे हैं ना मनाली हम लोग, ठीक है ना, तो ये हुआ फिर इस तरह वो संभालेगा। अब देखो लाइन टू, लाइन वन समझ में आया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देगा वो सिविल सर्वेंट। अब देखो जो कंपनी जो डायरेक्टर होते हैं है ना, कंपनी के जो डायरेक्टर लोग होंगे जो कंपनी को संभालेंगे, तो सिविल सर्वेंट को जानते हो कि वहाँ से सेलेक्ट कर लिए रॉयल फैमिली से। जैसे वारेन हेस्टिंग्स आए तो यहीं से बात हुआ, कलेक्टर वाला बात हुआ, और इन्हें यहीं से न्यूक्लियस जेनेसिस शुरू हुआ, सिविल सर्विस भी कोई चीज़ हो सकता है। जब कर्णवाली से आए, कर्णवाली जानते हो कि फादर ऑफ सिविल सर्विस कहते हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर दिया, ऑर्गेनाइज किया उस चीज़ को, ठीक है। अब जब विलियम बेंटिंक साहब आए, ठीक है, एटे, तो उनके टाइम में जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हुआ था तो उसमें कुछ चेंज हो गया, कंपटीशन फ्रॉम नॉमिनेशन, पहले तो शुरू में नॉमिनेशन ही था कि जिसको सेलेक्ट किया वो ट्रेनिंग बन के गया, अपना लंदन में अपना किया ट्रेनिंग किया और बन के जाके वो बन गया सिविल सर्वेंट। अब विलियम बेंटिंक ने एक काम क्या किया कि नॉमिनेशन करेंगे, कंपटीशन फ्रॉम नॉमिनेशन, नॉमिनेट कर लिया उसके बीच में कंपटीशन होगा, जो पास करेगा वो बनेगा। लेकिन आस्ते आस्ते कैसे बन रहा है आगे देखो, मैं इंडियन नॉट अलाउड, इंडियन नॉट अलाउड, तो यहाँ पे बहुत ह्यू एंड क्राइम मचेगा। अभी देखो राजा राम मोहन रॉय उठाएंगे इस सवाल को, वाई इंडियन नॉट अलाउड, और वही 1885 में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस गजब का बात उठा देता है, काहे नहीं इंडियन अलाउड। अरे जो इंडियन अलाउड होता है तो बाबू पहला ही तुम्हारा जो बनेगा तुम अभी दंग रह जाओगे, पहला जो हमारा इंडियन बना था, अभी देखते रहो तुम। चार्टर एक्ट देखो, चार्टर एक्ट 1853 का पास हुआ, उसके बाद हाँ दलावजी हो गए उस समय, दलावजी ने ये चीज़ ख़त्म कर दिया, क्या बोला कि नॉमिनेशन नहीं कंपटीशन, खाली कंपटीशन, ओपन कंपटीशन, मैं इंडियन अभी भी नॉट अलाउड, यानी कि आस्ते आस्ते जा रहा है उस तरफ आस्ते आस्ते जा रहा है, प्रेशर होना लगा इंडियन से, क्या हो रहा है ये सब चीज, क्या हो रहा है ये सब चीज, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स लोग उठना शुरू कर दिया, क्या किया आप। तब इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास हुआ 1861 का, और जो पहला तुम्हारा सिविल सर्वेंट बन के आए थे एस एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, और उसके जस्ट थोड़ा बाद आगे बिहारी एस एन बनर्जी और बिहारी लाल गुप्ता, समझ रहा है, तो यानी कि तुम्हारा शुरू में गुप्ता वाला सब बन गया है। अब गुप्ता देखो, गुप्ता केवल बिहारी ही नहीं होता है, ठीक है ना, गुप्ता अलग है, मगर ये सब बंगाल रीजन से, क्योंकि बंगाल लोग इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, और हमारा खुद सुभाष चंद्र बोस खुद सिविल सर्वेंट रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का रैंक 5th या 6th आया था ऑल ओवर इंडिया। सुभाष चंद्र बोस इंडिया के जो सिविल सर्विस हुआ था ना उसमें 5th और 6th रैंक था सुभाष चंद्र बोस का, इसका मतलब देखो कि कितने बड़े हो गए, इतने बड़े वो भी बने, लीडर भी बने, और पढ़ने में भी उतने ही तेज थे, और 5th 6th में आना मतलब किसी भी दौर में सिविल सर्विस में आना बहुत बड़ा बात होता है,
कितना खतरनाक मेमोरी होगा उनका, देखो। तो ये समझे ये बात को, और खुद 1885 में तुम देखोगे, जो 1885 में जो तुम्हारा INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, ए हुम किए थे जानते हो, बचपन पढ़े हो, वो भी एक खुद सिविल सर्वेंट थे, और वो एक्चुअली तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाऊंगा तुम लोग को, वो एक्चुअली क्या थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से थे, IRS थे वो, ठीक है। तो देखो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास हुआ 1861 में, ठीक है, और ये क्या हुआ वहाँ पे हमारे इंडियंस भी आना शुरू हो गए, पहला SN टैगोर आए हैं, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद SN बनर्जी और बिहारी लाल गुप्ता आए थे। अब देखो लिट्टन का समय आया, तो मैं एक सिविल सर्विस का एक ढांचा बता रहा हूँ कैसे सिविल सर्विस आगे गया। लिट्टन जब आए तो इन्होंने एक स्टेचुरी एक्ट पास किया, और इन्होंने पता है क्या किया, नेटिव रूलर्स को अपीस करने का प्रयास किया। क्यों, देखो अभी विद्रोह हो चुका है, नेटिव रूलर्स का मिलेगा रोल, नेटिव रूलर को ज़्यादा तुम टच नहीं करोगे, पहले ये सब बगावत वो नहीं करोगे, एक्सटेंड नहीं करोगे, क्योंकि दलाउजी का एक्सटेंड करने के वजह से कितना कुछ हुआ, 1857 का रिवोल्ट तक हो गया। तो लिट्टन जब आए, देखो लिट्टन बढ़िया आदमी नहीं था, गवर्नर जनरल, इसने कोई ढंग का काम नहीं किया है, मगर रिपन जो आएंगे गजब के इंडियन के लिए बड़ा ही वेलफेयर किए थे, रिपन जो थे वाइस रॉय, बड़ा ही बहुत अच्छा काम किए थे। तो लिट्टन जब आया तो इन्होंने स्टेचुरी एक्ट पास किया, मैं पार्लियामेंट से एक्ट पास किया, और उसमें नेटिव रूलर को अपीस करने का प्रयास था, लुभाने का प्रयास था, क्यों, क्योंकि बगावत करना है भाई, इसको हम साथ रखेंगे तो आसान हो जाएगा ना पब्लिक के ऊपर वो करना, तो वही बोला कि नेटिव रूलर्स को अपीस करना शुरू कर दिया, और रिजर्वेशन 1/6 रिजर्वेशन रॉयल फैमिली से होगा, यानी कि प्रिंसली स्टेट से होगा, खुश करने के लिए। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका था उस समय तक, अपोज कर दिया था, ये क्या है, ये क्या है, मेरिट में जाना चाहिए। तो उसके बाद अचीसन कमेटी आया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्व, सिविल सर्वे का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमीशन है, ये बोला कि ये एक्ट जाना चाहिए, बेकार है, ये बेकार है, लिटन का ठीक नहीं है, और लंडन एग्जाम, मैं देखो इसमें बात समझो, तुमको एक चीज़ बताना होगा, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, देखो इधर समझो बाबू, क्या नाम है अंकित, देखो देखो अंकित, हुआ क्या था कि इंडियंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लिट्टन ने लॉ लाए थे, और उसमें बाबू एज घटा दिया था, उम्र अभी ना तुम लोग 32 साल तक जनरल वाला दे सकता है, तुम लोग दंग रह जाओगे, बहुत कम एज कर दिया गया था, तो इंडियंस जा ही नहीं पाते थे, ठीक है, और उसका प्रिंसली स्टेट को तुमने अपीस कर दिया कि 1/6 रिजर्वेशन होगा। अचीसन जो कमीशन आया, अचीसन कमीशन ने बोला कि ये लिट्टन का ठीक नहीं है, मगर फिर भी उसमें कॉलोनियल वेस्टेड वाला चीज़ था, बोला कि लंदन ही में एग्जाम होना चाहिए। अब कई लोग तो पास करने के बाद भी लंदन जाने का क्षमता नहीं होता है, तो वो सब छोड़ देते थे, अब बाद में कमीशन आएगा जो बोलेगा कि नहीं लंदन के लेवल पे हमारा इंडिया में भी होना चाहिए ट्रेनिंग, अभी देखो थोड़ी देर में आएगा। उसके बाद अब ली कमीशन आया, देखो ली कमीशन के वजह से ही तुम्हारा UPSC बना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 1926 में गठन हुआ था, UPSC सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, दैट इज UPSC, समझे, और कब हुआ ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पास किया गया इसको, समझे। तो देखो तो अभी तुम लोग को जो पढ़ाया गया है ये सब चीज़ के बारे में फिर से मैंने लिख दिया है, और भी है, और भी आगे जानोगे, देखो कमीशन, अच्छा पहले आगे जान लो, चलो चलो पहले फैक्चुअल जान लेते हैं, उसके बाद फिर मैं रिविजिट करूँगा। इनिशियल डेवलपमेंट देखो, अर्ली फेज में सिविल सर्वेंट जानते हो अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है, तो पहले क्या थे, अपना करियर शुरू करते थे एज अ ट्रेनी, एज अ अप्रेंटी, ठीक है, उसके बाद वो आगे बढ़ते थे, अप्रेंटी के बाद जानते हो राइटर बनते थे, फिर फैक्टर बनते थे, फैक्टर बाद फिर जूनियर मर्चेंट बनते थे, फिर सीनियर मर्चेंट बनते थे, जो कि बता चुके हैं तुम लोग को, जूनियर मर्चेंट वही कमर्शियल एक्टिविटी देखेगा और सीनियर मर्चेंट तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को देखेगा। वॉरेन हेस्टिंग्स का क्या रोल था, बाबू वही है कि इन्होंने सबसे पहले तो ड्यूअल गवर्नमेंट को हटा दिया, जो कि रॉबर्ट क्लाइव का था, बता चुके हैं क्योंकि करप्शन से लिप्त था वो चीज़, इन्होंने इंग्लिश कलेक्टर को अपॉइंट किया, हाँ जानते हो कि क्योंकि बंगाल और बिहार वाला रीजन में डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रहा था, तो बताए थे तुमको पहले, इन्होंने कमर्शियल और क्या किया, इन्होंने सेपरेट कर दिया कि कमर्शियल एक्टिविटी डिफरेंट होगा सिविल सर्वेंट का और एडमिनिस्ट्रेटिव अलग होगा, सेपरेट करना जरूरी है ना, नहीं तो कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटर को तुम कमर्शियल बना दे बहुत करप्ट हो जाएगा वो। कॉर्नवालिस का रोल देखो, फादर है वो, ठीक है, इसने सिविल सर्विस को कंसोलिडेट किया, यानी कि स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, यूरोपियन सिविल सर्विस के हिसाब से यहाँ पे भी बनाया गया बढ़िया से, ठीक है, और 1500 बाबू देखो सैलरी कितना है, 1500 पर मंथ बहुत होता है, हमारे पिताजी बोलते थे 1 रुपया में 2 रुपया में घर एक एक महीना तक रहता था,
1500 उस समय का 1500 अभी का 2-3 लाख के बराबर हो जाएगा। और अभी कितना सैलरी मिलता है? 1 लाख होता है, 1 लाख मुलाजिम। 1 लाख मिलना बहुत बड़ी बात है सरकारी जॉब। 1 लाख तुमको मिलेगा टेलीफोनिक सुविधा बाबू, जब तक शादी ब्याह नहीं हुआ है, माता जी पिताजी जाएंगे अपना एरोप्लेन में, साथ में ले जाओ उनको, ठीक है ना। तुमको रेलवे में जाना है तो फर्स्ट एसी तुम्हारा बाय डिफॉल्ट है। तुमको प्लेन जाना कहाँ जाएगा, जाओ घूमो अपना। तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, पढ़ाओ उसको। तुमको दिक्कत है फ़ोन करो, आ जाएगा तुम्हारा डॉक्टर, डॉक्टर आ जाएगा तुम्हारा। क्या क्या हुआ सर? हो टाइम काम ठीक से करते नहीं, कई 2 मिनट लेट आए आप, सॉरी सर अगला दिन से 5 मिनट पहले आ जाएंगे, ठीक है कर देंगे फिर यहीं पर। बाबू हिल जाता है जब DM का जब छापा पड़ता है ना, बराबर उसमें ऐसे हो जाता, सगभगा जाता है। बहुत ऊपर का चीज़ है DM, ठीक है ना, बहुत ऊपर का चीज़ है, जान लेना। इसलिए बोलते कोई भी DM हो ना तो उसको खाली बैठ खाली देखते रहो उसको, ठीक है ना, मज़ा आएगा देखने में। DM जो बोलना मत कुछ, वो देखते रहो। बहुत मेहनत करके बना है वो पोस्ट पर गया है, बहुत मेहनत किया, बहुत तपस्वी है वो, बढ़िया उसको देखते रहना और खुश रहना। वाह क्या मस्त चीज़ है यार, हम खुद अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट होने वाला चीज़ ही है यार, बहुत अट्रैक्ट होने वाला चीज़ है वो। देखो तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर सिविल सर्विस, जानते हो कि हेलबर्ग कॉलेज था तुम्हारा लंदन में होता था, फिर बाद में इंडिया में भी बना है तुम्हारा, बताएंगे थोड़ी देर में इंडिया में कैसे आया है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज वही कलकत्ता में था, ठीक है आगे बढ़ो। चार्टर एक्ट 1833 बता चुके हैं, इसमें क्या हुआ कि जानते हो कि ओपन कंपटीशन का बात आया था, मगर अभी भी फुल कंपटीशन नहीं है, ये नॉमिनेशन कम कंपटीशन, यानी कि नॉमिनेशन से कंपटीशन होगा कम, यही कम मतलब दोनों ही चीज़, पहले नॉमिनेशन होगा फिर कंपटीशन होगा। और इसमें क्या है कि देखो 4 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, यानी कि 4 आदमी, जैसे मान लो कि 100 आदमी को सेलेक्ट करना है तो 400 आदमी को नॉमिनेट किया जाएगा, 400 आदमी के बीच में फाइट किया जाएगा, वहाँ से 100 को निकाला जाएगा। तो 4 टाइम्स वैकेंसी, वैकेंसी के हिसाब से यानी कि 100 वैकेंसी है तो 400 आदमी नॉमिनेट किया, ठीक है ना। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आया, वह फुल वही फुल ओपन कंपटीशन, नो नॉमिनेशन, अब नॉमिनेशन कोई बात ही नहीं है, इंडियंस नॉट अलाउड येट। अब इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया 1861 का, देखो इसमें बोले थे कि इसके बाद क्या हुआ, ICAR वही बना, फर्स्ट इंडियन बने वही सत्येंद्र नाथ टैगोर बोले थे 1871 में। उसके बाद फिर 3 इंडियंस नए बने, SN बनर्जी बने हैं, ठीक है, RC दत्त बने, बिल्कुल RC दत्त बहुत बड़ा नाम है, ये बाद में जाके इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ पर्दाफाश करेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताएंगे कि ब्रिटिश ने कितना ड्रेन ऑफ वेल्थ लिया है। ये भी एक सिविल सर्वेंट थे, अभी बिहारी लाल गुप्ता जो बता चुका हूँ तुम लोग को। लिटन का क्या रोल था, देखो बाबू यही तो गलत किया ना, बताओ इसने 19 साल रिड्यूस कर दिया, एज लिमिट वॉज रिड्यूस टू 19 ईयर्स, यानी कि 19 साल का देगा एग्ज़ाम, बहुत डिफिकल्ट है, पास कब करेगा, इंडियंस ऐसे भी बेचारा नहीं मिल पाता उनको पढ़ाई लिखाई, गरीबी है, बहुत तरह का बात है। ये चाहता था कि इंडियन सपोर्ट ना करे इसलिए लॉ ला दिया, बाद में फिर इसका जो स्टेचुरी लॉ है बाद में बोला कमिटी गलत है, ठीक है, ये इसलिए वही तो लिखा है कि इट वॉज डन टू एक्सक्लूड इंडियंस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, स्टेचुरी सिविल सर्विस वाला जो इस्टेब्लिश किया गया था 1878 में, देखो अब तुम याद कर लो कि 1878 के आसपास कौन थे, लॉर्ड लिटन थे, ठीक है, और उसमें 1/6 वैकेंसी दे दिया वही इंडियन फैमिली जो तुम्हारा रॉयल फैमिली था जो बोले थे अपीजमेंट वाला पॉलिसी, तो ये हाईली क्रिटिसाइज किया गया इस चीज़ को इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा। उसके वजह से क्या हुआ, एक कमेटी बनाया गया अचिसन कमेटी, जो कि 1886 में, देखो 1886 और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ चुका है, समझो यानी कि प्रेशर कितना आ रहा है संगठन से। अचिसन कमेटी ने क्या बोला, हाँ ये स्टेचुरी जो सिविल सर्विस जो जो लिटन लाया वो बेकार है, वो ख़त्म कर दो उसको। मैं ये बोला कि इट ऑल्सो रिकमेंड फॉर होल्डिंग सिविल सर्विस ओनली इन लंडन, मतलब लंडन ही में होना चाहिए, मैंने बोला ना वेस्टेड इंटरेस्ट था, इंडियन अवॉर्ड हो जाए, किसी तरह इंडियन को अवॉर्ड करना है। आइस लिटन, देखो आइस लिटन कमेटी आया, देखो यही है कोमल, यही है आइस लिटन कमेटी था जिसने रिकमेंडेशन दिया था कि दोनों एग्ज़ाम हो, इंग्लैंड में भी हो इंडिया में भी हो, और इंडिया में होगा तो फोर्ट विलियम में होगा, ठीक है। और मैं तुमको बता देता हूँ कि फोर्ट विलियम के साथ साथ तुम्हारा यहाँ पे भी आगरा में भी और दिल्ली में भी शुरू हुआ था, क्योंकि एक जगह नहीं तो दिल्ली में भी, ये रमानंद जी हमको बहुत पहले पूछे थे तो हम उनको बताए थे, ठीक है। ली कमीशन देखो 1926 का आया, पब्लिक सर्विस कमीशन बना, UPSC बना 1926 में, जानते हो। तो ऊपर जाओ, ठीक है ये ख़त्म कर दिए हैं, ऊपर जाओ तो अब देखो कमीशन या एक्ट्स एसोसिएटेड विद सिविल सर्विस इन इंडिया,
देखो वैरन हेस्टिंग आए, कलेक्टर बनाए, कॉर्नवालिस का एफर्ट आगे रंग लाया। चार्टर एक्ट का तुम्हारा जो 1833 का था उसमें कंपटीशन फ्रॉम नॉमिनेशन हो रहा था, 1853 का ओपन कंपटीशन था जिसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे, फिर इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बना जानते हो जिसमें इंडियंस लोग सेलेक्ट हुए, फिर अचीसन कमेटी बना तुम्हारा 1886 जो प्रेशर दिया था मगर इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट था, आइसलेटन कमीशन यही बोला कि इंडिया में भी होना चाहिए, ली कमीशन, UPSC गठन हो गया। समझ में आ गया ना, ये कोड वर्ड है, ऐसे करके तुम चीज़ों को विजिट कर सकते हो। अब देखो उसके बाद बात करेंगे हम लोग। देखो अब है तुम्हारा डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, समझे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा ये बताओ, चलो वो गया है तो पहले मैं तुम लोग से, वो आने से पहले बहुत कुछ सवाल कर लेता हूँ ताकि उसका ना छूटे। क्या होता है बाबू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कोमल? क्या होता है, डरो मत, क्या होता है? उसके कंट्रोल में, ठीक है। तो डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है फिर? डिवीजन शब्द का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, डिवाइड करना, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए आप बहुत सारा चीज़ को डिवाइड करोगे, जैसे बंगाल का भी डिवीजन हुआ था तो ऐसा होता है कि नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो ऊपर है और नीचे जाओगे तो डिवीजन्स रहते हैं। अब तुम लोगों को दरोगा के बारे में भी बोला गया था कुछ दिन पहले, थे कि नहीं थे क्लास में, कि दरोगा कितना अपने आप को समझता है कि हम बहुत बड़ा होशियार हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम बना था। आई होप सो समझ में आ रहा होगा तुमको। तो बोलो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा कौन है, एक IAS है या फिर IPS? श्योर, ठीक है बैठो रे, वेट कर रहे थे। IAS है, ठीक बैठो, अब समझो बात को। देखो ये चीज़ तुम ज़्यादा समझेंगे जब तुम लोग का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी का यदि आने वाले समय में कोई लेगा पब्लिक एंड मन होगा, इच्छा होगा तो पपेट में इसके बारे में डिटेल्स पढ़ोगे, माँ बाबू दांत से पानी निकल जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है ना, डरा नहीं रहे, रियल है, ठीक है। जब पता चला कि नंबर ही नहीं उठता है, नंबर देता ही नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जाके देख लो नंबर ही नहीं मिलेगा, और उसके बाद इतना गंदा इंग्लिश तुम लोग का, कहाँ से तुम लोग मैच कर पाएगा कैलिबर को, समझ रहे हो, तुमको नहीं बोल रहा है, सभी को बोल रहे हैं। इसलिए सिविल सर्विस में बड़ा होशियारी से ऑप्शनल लेना है सभी को, ऑप्शनल वो लोग कि जो तुम बढ़िया से दे सकते हो और बढ़िया से कनेक्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट अपने जगह पे है। हमको इंटरेस्ट था कि नहीं था फिजिक्स में, बहुत इंटरेस्ट था, मैं 10 घंटा उसी में ले रहे थे, पढ़ेंगे क्या सब्जेक्ट, तो मीन वाइल हमको छोड़ना पड़ा बीच में और तुरंत हिस्ट्री में स्विच करना पड़ा, क्यों, पता था कि हिस्ट्री हम जाकर किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट प्लस होशियारी दोनों ही चीज़ क्लब होना चाहिए ऑप्शनल में, इंटरेस्ट प्लस फिजिबल, इंटरेस्ट अपने जगह है, इंटरेस्ट तो भाव बहुत कुछ है, हमको साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, फिलोसॉफी में भी इंटरेस्ट है, मगर सबसे बड़ा बात है कि हमको जो इंटरेस्ट है हम कितना उतार पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि सिविल सर्विस में टाइम नहीं है, मुझे आ रहा है इधर तो यही देखो सिविल सर्विस एक बहुत बड़ा रणनीति भी है, स्ट्रेटजी भी है, सब चीज़ इकोनॉमिक्स, क्या अब तुमको नहीं लगता कि हमको इकोनॉमिक्स में कभी इंटरेस्ट हो सकता था? बिल्कुल हो सकता है, इतना इकोनॉमिक्स जानते तो नहीं हो सकता है, वो हमको जानते हैं, फंस जाएंगे उसमें, इतना तुम लोगों को पढ़ाने के बाद हम बोलते कि हम फंस जाएंगे, इसके बाद सच में फंस जाएंगे, है उसका डीप है, बहुत डीप है वो चीज़, मेंस को पढ़ाना इकोनॉमिक्स और ऑप्शनल को पढ़ाना वो हालत ख़राब हो जाएगा, वो भी फिजिक्स ही लेवल का है वो सब चीज़। देखो तो डिवीजन ऑफ तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो आज तुम लोग बात करते हो कैसे बनता है। देखो वैरन हेस्टिंग ने क्या किया था जानते हो तुम लोग, कि यूरोपियन कलेक्टर्स को इच डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर दिया था, है ना, ताकि वही रेवेन्यू कलेक्ट करें। लेटर क्या हुआ कि यही कलेक्टर को जो आज तुम लोग DM बोलता है, अरे बाबू तुमको DM बनना है ना अंकित, DM बनना है ना तुमको, तो DM मतलब मैजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी कि कलेक्टर तुम्हारा जुडिशरी का भी काम करेगा, वो होता है DM। कलेक्टर तो है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, साथ साथ वो भूमिका किसका अदा कर रहा है, मैजिस्ट्रेट का भी, यानी कि जुडिशरी का भी, तो वही होता है कि लेटर कलेक्टर वर गिवन जुडिशियल एंड मैजिस्ट्रियल पावर, समझे ना, समझे, तो कोई भी विवाद हुआ उसको भी सुलझा सकता है DM, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। देखो
आफ्टर कमिंग अप कर्नावली, जब कर्नावली आए जिसको फादर कहते हैं, कर्नावलिस कोर्ट लॉन्च किया गया 1793 में। देखो कर्नावलिस कैसे याद करोगे, देखो कर्नावलिस कौन थे, वही हाँ, तो थर्ड तो देखो 1793 से लिंक कर दोगे, उधर सराटोगा हुआ है उस तरफ, व्हिच डिप्राइव द कलेक्टर। मैं बोला कि ना कलेक्टर को जुडिशियल पावर और मिनिस्ट्रियल पावर नहीं देना चाहिए, डिप्राइव कर दिया इन्होंने। बोला कि ये तो मैनिपुलेट कर देगा, जज वाला काम करेगा तो ये सब कुछ धांधलीबाजी कर देगा, निकाल दिया, ठीक है। और इट वॉज गिवन टू द ऑफिस बाय जज, बोला कि जज होना चाहिए यहाँ पे, सही चीज़ है, जज को दे दिया। अब देखो कैसे समीकरण बदला है और कैसे भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। कर्नवालिस ने पुलिस पावर, जो जमींदार का है, पुलिस पावर था ना, जमींदार पुलिस पावर, कोई पुलिसिंग पावर, हाँ, ख़त्म कर दिया, बोला कि नहीं। और ये पावर दरोगा को दे दिया जो सब इंस्पेक्टर बनता है, इसलिए दरोगा देखो डेंजर बन जाएगा, इंडिया के जो मिट्टी में है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसलिए दरोगा से लोग डरेगा, कौन है दरोगा, भागो भागो भागो, क्योंकि जमींदार वाला पावर उसको ट्रांसफ़र कर दिया और वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो गया। देखो वही किया कर्नवालिस ने, पुलिस पावर जो पुलिसिंग पावर था जमींदार का एबोलिश कर दिया और ट्रांसफ़र कर दिया दरोगा को, जो SHO कहते हो, हेड ऑफ, तुम्हारा जो हेड होता है वो एक छोटा छोटा जगह का। अब देखो, अब 1810 में एक रेगुलेशन पास हुआ था, ये तुम्हारा ऑफिस ऑफ SP बना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखो कैसे IPS की तरफ मूव कर रहा है, देखो ठीक है, कहाँ के, पटना में, वाराणसी में, बरेली में, ठीक है। विलियम बेंटिक साहब आए, वो कमिश्नर का बना है, कि कमिश्नर इससे भी ऊपर पद होना चाहिए, कमिश्नर उससे ऊपर, SP से बहुत ऊपर का पद है वो, तो तुम जानोगे IG DI ये सब जान लोगे, अभी देखो कैसे आगे बढ़ा है। विलियम बेंटिक आए थे, इन्होंने कमिश्नर का ऑफिस क्रिएट किया। अब क्या किया है, जो पावर है SP का वो कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर दिया कि वो ऊपर है, और SP को ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया और पावर के साथ दे दिया और पावर ख़त्म कर दिया। फिर SP रिवाइव होगा, देखते जाओ। फिर पुलिस एक्ट देखो 1861, समझो 1861 IPC इंडियन पेनल कोड 1860 समझो। फिर ICP पुलिस एक्ट तुम्हारा पास हुआ था 1861 में, जो कि फिर से एक नया ऑफिस क्रिएट किया, IG SP इंस्पेक्टर, फिर से SP आया, IG आया, उससे इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, और इंस्पेक्टर। फिर से पुलिस पावर कमिश्नर का ट्रांसफ़र कर दिया गया SP को, जो विलियम बेंटिक छीन लिए थे, तो ले लिए थे। फिर से तुम्हारा 1861 के बाद कंसेक्यूटिवली जो सब्सिक्वेंट टाइम में फिर से ट्रांसफ़र कर दिया गया SP को। अब देखो एंड्रयू फ्रेजर आए, ठीक है, ये तुम्हारा लॉर्ड कर्जन के टाइम में आए थे, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि नहीं DIG वाला पोस्ट भी होना चाहिए, DSP वाला भी होना चाहिए और सब इंस्पेक्टर वाला भी होना चाहिए पद, समझे, वही DIG। तो DIG IG सुनते हो कि नहीं सुनते हो, तो IG तो ऊपर बात हो गया IG का, तो इनके नीचे भी एक होना चाहिए, DIG होना चाहिए, तो बाद में रिकमेंडेशन आया है। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि रेलवे पुलिस भी होना चाहिए, CID भी होना चाहिए, रेलवे पुलिस का भी होता है कि नहीं होता है, बात का। और लास्ट में बोला कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुड भी कंट्रोलिंग पुलिस। अब बाद में तो जो तुमको क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट में, कौन होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, मिल गया आंसर। देखो आस्ते आस्ते पावर ट्रांसफर हुआ, कौन सा, हाँ DM के अंदर होगा, बिल्कुल, एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा DM संभालेगा उस चीज़ को, अकाउंटेबल है, पर देखिए दोनों सर बोलेंगे एक दूसरे को, सर बोलेंगे, दोनों सेम है, इक्वल है, दोनों सिविल सर्वेंट है, हाँ बिल्कुल, उनको अब उनको जिम्मेदारी दिया गया, तभी तो फिर इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देंगे IPS कि IAS बनना है उनको, जो IAS बन गया वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकता है, प्रमोशन होके वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकता है, बाबू मजाक चीज़ है क्या, समझ के बात को, कितना बचा है, कमी बचा है ना, देखो तो ये बात समझ में आया तुम लोग को। अब हम लोग करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लेबर लॉस, लेबर लॉस में क्या हुआ, देखो अभी जानते हो कि अब कैपिटलिस्ट क्लास का राइज हो रहा है तो वर्किंग क्लास का एक्सप्लोटेशन होगा, और उसी चीज़ को आगे खींच दिए मार्क्सिस्ट, मार्क्सिज्म जिसका फिलोसफी बड़ा है, मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का, और उसका जेनेसिस बहुत पहले कौन खींचे थे, रूसो खींचे थे, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ आगे जाके हुआ था। तो देखो जो राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज हुआ तो इंडस्ट्रीज क्लास और वर्किंग क्लास के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा ही, क्यों, क्योंकि लेबर क्लास या वर्किंग क्लास का बहुत ग्रीवांसेस है, दुख है, क्या इकोनॉमिक इंसेंटिव भाई देवे ने करता है हमको, सोशल साइकोलॉजिकल हमेशा दबा के रखता है, हरासमेंट होता है, डेली वेजेस का प्रॉब्लम है, बहुत घंटा काम करवाता है,
कोई इन्वायरमेंट ढंग से देता ही नो कंडीसिव इन्वायरमेंट, चाइल्ड एब्यूज है, बच्चे लोग का एब्यूज़ करता है, महिलाओं का एक्सप्लोटेशन होता है, चाइल्ड लेबर का दिक्कत है, बच्चा लोग काय काम करेगा। ये सब इशूज़ को हमारे लीडर्स उठाए और प्रेशराइज किए ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, कहा जी कुछ तो होना चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला ठीक है गुरु जी, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आप उद्यम दे रहे हैं, और यही बाबू यही सिविल सर्विस तुम्हारा 2018 और 17 में पूछ लेता है बहुत बढ़िया से फैक्ट्री एक्ट के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट्री ये फैक्चुअल में तुमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, यहाँ तुमको जेनेसिस निकल जाएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा कि मतलब एक रूप। देखो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 इसमें लेबर लॉ बना है जो को अभी तक कैरी फॉरवर्ड है। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट वो एक्ट बना था 1891 में, अब बाद में यही तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ट्रेड यूनियन बन गया जो कि अभी देखते हो कितना बड़ा भूमिका अदा कर रहा है अभी प्रोटेस्ट में। आगे देखो तो यही चीज़ है कि तुम्हारा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में उस समय देखो रिपन, मैंने बोला ना रिपन बहुत अच्छे थे, अनलाइक योर लिटन। लिटन क्यों? वही सिविल सर्विस का जो कर दिया था, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया, मैं रिपन के बारे में बोलूँगा, बहुत अच्छा अच्छा काम किया इन्होंने। देखो इन्होंने गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड रिपन, 1881 की बात है। थ्रू दिस एक्ट देर वॉज अ प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, बिलो 7 साल के नीचे बच्चा को काम नहीं कर सकता है, मतलब उससे छोटा बच्चा को भी काम करवा रहा था पहले, ठीक है। फेंसिंग डेंजरस जो मशीन है उसको फेंसिंग करके, वो जो डेंजरस वाला जो नहीं होता है ऐसे करके रखा जाता है ना, वो सब फेंसिंग करके भाई इधर जाना गलत बात है, ठीक है। उसके बाद क्या कि वर्किंग आवर फिक्स कर दिए कि 12 आवर से नीचे होगा बच्चे लोग के लिए, नहीं तो बच्चे लोग को बताओ 18-18 घंटा खटा रहा था, बच्चा लोग माल नहीं होकर मर ही जाएगा ऐसे में, और गरीबी है बेचारा करे भी तो करे क्या, पूरा गरीबी है। तो ये क्या, इट इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट जैसे बता चुके हैं 1890 उस समय गवर्नर लैंड डाउन थे, प्रोमिनेंट नहीं है इसलिए इनका नाम तुम लोग नहीं जानते हो, ठीक है। ये चाइल्ड लेबर क्या है, बिलो 9 ईयर्स, यानी कि इन्होंने और बढ़ा दिया 7 साल तक नीचे, अब 9 साल बच्चा ही है 9 साल। वर्किंग आवर चिल्ड्रन का 14 ईयर्स से बिलो कर दिया इन्होंने भी, ठीक है। और वो देखो यानी कि समझे ना, यानी कम कर दिया इन्होंने। अब इंटरवल देना शुरू, 1.5 घंटा का इंटरवल शुरू है कि बीच में, और वीकली हॉलीडे महिलाओं में एक हफ्ता में आपको छुट्टी मिलेगा एक दिन, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रेड, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट बना 1926 में, देखो UPSC के टाइम में ही, ठीक है। इसमें लीगल स्टेटस दिया गया कि हाँ लेबर यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बोलेगा ग्रेवान से सुनेगा हम उसका सरकार के ऊपर प्रेशर होगा, ठीक है। वेरियस राइट्स ऑफ लेबर रिकॉग्नाइज किया गया कि लेबर को ये चीज़ मिलना ही चाहिए, ठीक है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर का बात हो सकता है, इन्वायरमेंट के बारे में बात हो सकता है, कोई हरासमेंट हो कैपिटल क्लास से तो उसके बारे में बात हो सकता है। उसके बाद देखो सिविल सर्विस ये पूछा था, देखो चौथा वाला ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 ये सिविल सर्विस पूछा है, ठीक है, 17-18 में देख लेना जाके। इसमें क्या कि स्पेशल कोड बनाया गया था ताकि कोई भी लेबर का प्रॉब्लम हो तो रिजोल्व हो जाए वहाँ पे, समझ गए बात को। उसके बाद 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें तो गजब बना है, लेबर रिप्रेजेंटेटिव बना है, ठीक है, लेबर कॉन्स्टिट्यूएंसी तक बन गया था। जैसे तुम्हारा यहाँ देखो, यहाँ तो बीज बोया गया था सबको अलग कर दे कंट्रीमैन को, महिलाओं के लिए भी अलग, कबा डिप्रेस क्लास के लिए अलग, पता हो तो लेबर रिप्रेजेंटेटिव भी अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लेबर रिप्रेजेंटेटिव गलत नहीं है, देखो ये अलग चीज़ है, ये जनरल पॉपुलेशन का बात नहीं है। अभी भी जो चुनाव होता है कि नहीं होता है, रमानंद जी जहाँ से आते हैं तो वहाँ का चुनाव होता है, तो उसी टाइप का बात है, ठीक है। एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस पास किया गया था, नो फायर विदाउट रीजन, बिना रीजन का किसी को आप निकाल नहीं सकते नौकरी से, रीजन दीजिए लिखित में, ठीक है। तो ये इम्प्लॉय को एक तरह से क्या किया कि इम्प्लॉय जो नौकरी देता है आप डिसमिस नहीं कर सकते बिना कोई वैलिड रीजन का, समझे बात को। तो अब नया चीज़ है, चलो ये भी कर ही लेते हैं, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देखो कोमल लोकल, आज तुम लोग पंचायती राज सिस्टम का बात करते हो है ना, और म्यूनिसिपैलिटी का बात करते हो, मैं इसका हम्बल बिगिनिंग कहाँ से हुआ, जेनेसिस कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो समझो बात को। मयूर रिजोल्यूशन, एक आदमी थे मयूर थे, ठीक है, उनके रिजोल्यूशन में ये हल्का चीज़ दिखा था, हल्का ही दिखा था। रिपन बोले ना, रिपन बहुत बड़े आदमी थे। देखो रिपन ने क्या किया 1882 में, ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हो सकता है, रूरल और अर्बन, ठीक है, अलग कर दिया इन्होंने, ठीक है। जबकि इंस्पायर्ड किया पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा को भी, और हमारे DPSP में भी था, और जाके बाद में वो फिर मेन रूप ले लिया कब, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो वहाँ रिकॉग्नाइज कर दिया, और इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करना, पंचायत को भी दे दिया हमने अधिकार, क्योंकि डेवलपमेंट तो नीचे शुरू होना चाहिए ना, ऊपर से थोड़ी हो सकता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, वेरी नाइस।
बलवंत राय मेहता कमेटी बाद में बनाया, इसी ने बोला कि हाँ पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। और पहला जो था वो 1957 में राजस्थान में आया था, जो कि तुम्हारा नागौर डिस्ट्रिक्ट है, समझे, राजस्थान का। तो इस तरह बिगनिंग हुआ था। अब मैं तुमको बताना चाहूँगा कि जो अभी देखो, अब हाँ देखो, मैंने तुमको बोला ना कि कैसे याद करोगे। देखो दलाव जी के टाइम 1848-56 तो जान रहे हो सभी चीज़, लॉर्ड कैनिंग उसके बाद में, उसका लॉर्ड रिपन बोले गए तो तुमको तुरंत याद आना चाहिए कि 1881, क्योंकि अच्छा काम किए थे, फैक्ट्री एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है, जस्ट बताए थे, और लिबरेटर ऑफ प्रेस भी बोला जाता है, कल बताएंगे इसके बारे में। लॉर्ड अभी जस्ट लैंड स्टॉर्म किए थे 1891, जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट हुआ था उसका। देखो 1773 आराम से याद कर सकते हो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हुआ था, वारन हेस्टिंग्स थे। चार्टर एक्ट का बात होगा 1833 का, विलियम बेंटिंक, क्योंकि विलियम बेंटिंक 1829 में इन्वॉल्व है सती में। लॉर्ड लिटन का बात आएगा तो ये कोई बढ़िया नहीं था, हरिपन से पहले था, तो यही तुम्हारा क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था, जो कि मैं बताऊंगा, प्रेस पॉलिसी बताऊंगा, तब प्रेस पॉलिसी कल में हो जाएगा। देखो जो तुमको इतना ही है, चलो इसका मतलब तुमने डबल फोटो ले लिया था तुमने। एनीवे वी हैव कंप्लीटेड।